जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। दोस्तों आज का ये जो वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2021 में जो आने वाली है उसके ऊपर बना रहा हूँ दोस्तों, कि जो इस वैकेंसी में नए मेरे छोटे भाई जुड़ने वाले हैं तैयारी करने के लिए, या जो पिछले कुछ सालों से तैयारी कर रहे हैं उनका नंबर नहीं पड़ रहा है, उनकी अच्छी तैयारी नहीं हो रही, उसका रीज़न क्या है, क्या तो उसका रीज़न है कि उनका नंबर क्यों नहीं पड़ रहा है। वो भी तैयारी आपकी तरह आपके बराबर घंटे पढ़ते हैं और आपकी जितना पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनके जब पेपर में देने जाते हैं तो उनका मार्क क्यों नहीं आते, या जो मेरे दोस्त जो नई तैयारी कर रहे हैं अब, तो उनको क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, तो ये वीडियो पूरा उसी के बारे में है। तो दोस्तों एसएससी जीडी से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं कि कौन सी बेस्ट चॉइस हो सकती है आपके लिए, तो उसके मैंने लिंक नीचे दे रखा है। इस बार अगर आप फॉर्म भरो तो उसमें ये गलती मत करना कि आपको कौन सी चॉइस फर्स्ट करनी चाहिए, क्योंकि बाद में जब लोग भर जाते हैं, जब नंबर अच्छे आते हैं, तो बाद में फिर बहुत पछताते हैं कि हमने ये भर लेते, हम ये भर लेते, तो इसलिए मैंने पहले वीडियो बना रखा है। वो CISF CRPF इनकी क्या क्या ड्यूटी है इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखे हैं, जाके देख सकते हो, फिर आप अपनी फर्स्ट चॉइस सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। तो जो नए मेरे दोस्त या छोटे भाई बहन हैं वो तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, तो उनको क्या पढ़ना चाहिए अभी, तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि जो भी तैयारी कर रहा है, मैथ और रीजनिंग एसएससी जीडी के लिए सबसे बेस्ट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए मैथ रीजनिंग की, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का कुछ चेंज नहीं होता है, इससे आपका माइंड शार्प होता रहेगा, धीरे 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 आपकी क्लियरिटी आती रहेगी मैथ में, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बनती जाएगी, तो इससे एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने लगता था। तो कई लोग क्या करते हैं, जो जितने भी रहे हैं आप सभी को पता है, जितने नंबर कम आए वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि उन्होंने क्या किया है कि जीडी की जब वैकेंसी आई उससे पहले वो जीके पढ़ते रहे, ज़्यादातर टाइम उन्होंने जीके को दिया, बस जीके पढ़ते रहना, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं होती ना पेन चलाने की, बस लेट के पढ़ लिए, खड़े होके पढ़ लिए, बैठ के पढ़ लिए, बस ऐसे करके पढ़ लिए जीके, एयरफोन लगा के कानों में पढ़ लिए जीके, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे, देखो दो प्रकार की तैयारी होती है, एक तो होती है नौकरी की तैयारी, एक होती है तैयारी। तो जो नौकरी की तैयारी होती है ना उसमें तो बंदे को नौकरी मिलती है, जो होती है तैयारी वो ज़िंदगी भर चलती रहती है। कोई बोलेगा क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहा हूँ, कोई बोलेगा क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहा हूँ, तो वो जो तैयारी ना वो चलती रहेगी ज़िंदगी भर। क्यों? क्योंकि वो तैयारी ही करते हैं, नौकरी की तैयारी नहीं करते। तो अगर नौकरी या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो उसको उस हिसाब से करना पड़ेगा जो उसका रूल फॉलो करेगा। तो अब अगर आप पूरे दिन जीके पढ़ते रहोगे, आपको पता है जीके हर रोज़ बदलता तो नहीं है, तो बस केवल इतिहास, बाकी भूगोल भी बदलता रहता है, बदलता क्या नहीं है, फिर तो सब कुछ बदलता रहता है, सौरमंडल में कभी कुछ नई घटनाएं होती है तो वो नहीं आ जाता है। लेकिन मैथ रीजनिंग और हिंदी ये नहीं बदलते हैं दोस्तों। तो अगर आप ऐसे जीडी नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो या पहले से करते आ रहे हो, तो मैं बता दूं जब तक वैकेंसी नहीं आती है, या जैसे घोषणा तो हो चुकी है वैकेंसी की, लेकिन जब तक आप फॉर्म फिलअप नहीं कर रहे हो तब तक आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग पे ध्यान दे रहे हो, हिंदी पे भी नहीं। मैथ और रीजनिंग की आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है। हाँ, मैथ के लिए आप क्या पढ़ो तो मैं बता दूँ, रामनिवास माथुरिया की एक अच्छी गाइड आती है मैथ की, वो भी आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा पेपर सेट ले लो, जो पुराने पेपर सेट है मैथ के उनको हल करते रहो। रीजनिंग के लिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सेट ले लो, और एक थ्योरिकल कोई भी अच्छी रीजनिंग जो आपको लगती है तो वो बुक खरीद लो, बाकी पेपर सेट आप ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के लिए निकालते रहो, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी और अपने आप सीखते रहोगे। उसके बाद रही बात कि जब वैकेंसी कम्प्लीट फॉर्म वॉर्म भर दो तब तक आपकी मैथ और रीजनिंग अच्छी हो जाएगी, और ये हर एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। उसके बाद में आपको पढ़ना है हिंदी ज़्यादा, मैथ रीजनिंग और हिंदी, इन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और सबसे कम जीके पे ध्यान देना है, क्योंकि उसमें करंट जीके की आपको पता है क्वेश्चन आ जाते, तो आप करंट जीके के क्वेश्चन वैसे प्रिपेयर कर सकते हो और पढ़ना है फिर मतलब, लेकिन चौथे पायदान पे रखना है जीके को। पढ़ना तो सभी को है, जीके को भी पढ़ना, नहीं तो जीके में जो भी फ़ायदा क्या होगा, 10-12-13 नंबर तो जीके में भी आपके कम से कम आने चाहिए ना, तो फ़ायदा क्या रहेगा। लेकिन उसको चौथे पायदान पे, उसको पहले पायदान पे कभी नहीं रखना, क्योंकि जीके आप कहीं कभी भी पढ़ सकते हो और याद हो जाएगी, और एग्जाम के 10-15-20 दिन पहले भी पढ़ोगे ना तो भी आप बहुत सारी जीके कवर कर लोगे, करंट जीके कवर कर लोगे, और जो बड़ी बड़ी टॉपिक है उनको कवर कर लोगे। लेकिन मैथ 20 दिन में कवर नहीं होती, रीजनिंग 20 दिन में कवर नहीं होती, इनके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। तो आप पहले मैथ और रीजनिंग को पढ़िए, उनकी तैयारी करिए, जब तक एसएससी की नई वैकेंसी फॉर्म भरे जाते हैं या एग्ज़ाम डेट वो फॉर्म भर के फिलअप हो जाते हैं, तब तक आप मैथ और रीजनिंग की अच्छे से तैयारी करिए, उसके बाद में हिंदी मिला लीजिए, और लास्ट में जीके, जब लास्ट के 2-3 महीने बचे तब जीके को भी जोड़ लीजिए दोस्तों। तो इस प्रकार आपको तैयारी करनी है, जो मैंने तैयारी की थी वो इस प्रकार की थी, बाकी अब आपकी इच्छा, आप मानो या ना मानो, ज़बरदस्ती तो है नहीं आपके साथ कि हम मैं मना ही दूँ, जो मैंने तैयारी की थी वो इसी हिसाब से की थी। अगर आपको गलत लगे तो बता दीजिएगा, सही लगे तो सही बता दीजिएगा। जय हिंद।